पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक निर्णय का दिन है। पटना में लोक नायक जयप्रकाश नारायण 50 वर्ष पहले अपने आवास से सड़क पर उतरे थे और संयोग है 72 साल प्रवेश कर गया। मैं 74 आंदोलन का जीपी सोनानी हूँ। टिकट कटने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ किया और संघर्ष हमारा जीवन है या हमारे जीवन की पूंजी है। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और हम टिकट बांटने वाले में से थे। देखिए इस रिपोर्ट में। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और क्या कुछ कह रहे हैं। आज ऐतिहासिक दिन है। आज पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आज के ही दिन 50 वर्ष पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अपने आवास से सड़क पर उतरे थे 72 साल के उम्र में। और संयोग है कि मेरा भी 72वां साल प्रवेश कर गया। मैं जेपी सेनानी हूँ। मैं 74 आंदोलन का जेपी सेनानी का एक साथी हूँ। अभी यहाँ से जेपी आवास पर जाएंगे, फिर वहाँ भी आपसे बात करेंगे। जो भाई देखो, एक सेकंड, अरे हम लोग टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है और मैंने जन्म से संघर्ष ही हमारा जीवन है। संघर्ष और सत्य ही हमारे जीवन की पूंजी रही है। और बचपन से मैंने कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। और जहाँ तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। आज आज टिकट नहीं कटा है, ये टिकट नहीं कटा है, मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है, पार्टी के लिए अब सम्मान देने की बात हमारी हो रही है। आप चिंता मत करिए, हम नाराजगी नहीं होते। नाराज मैं क्यों हूँ? नाराज तो वो लोग होंगे जो लोग, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं तो यही का हूँ और यही का बन के रहूंगा। मैं बक्सर का हूँ और बक्सर का ही बनकर रहूंगा। बक्सर का हूँ और बक्सर का बनकर रहूंगा। जहाँ तक आप जानते हैं, भगवान राम का एक चौपाई है, मान सहित विष्पी के शंभु भय जगदीश, मान सहित विष्पी के शंभु भय जगदीश, मान रहित अमृत पियो, मान रहित अमृत पियो, राहु कटायो शीश। हम तो ये मान रहित विष्पी के शंभु भय जगदीश, हम तो वीर कंठधारी है। और भगवान राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही एक चौपाई कहा है, तुलसी भरोसे राम, तुलसी भरोसे राम निर्भय होकर सोए, तुलसी भरोसे राम निर्भय होकर सोए, अनहोनी 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 होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो। हम तो राम काज के लिए हैं, हम राम काज के लिए हैं, जो हो गया सो हो गया। और अब की बार 400 पार होगा, 400 पार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक है। मैं जानता हूँ एकजुट है, कोई विरोध नहीं। ये विरोध का स्वर भाई देखो, विरोध तो ये जनता, मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ, मेरा कसूर क्या है? मैं 74 आंदोलन का, मैं 1966 से जेल की यात्रा के बी साहब के आंदोलन से 13-14 साल के उम्र में किया था। और उतना ही नहीं, मैंने 7 आंदोलन से और अभी तक 58 साल की हमारी तपस्या, मुझे भी नहीं मालूम लगातार 15 दिनों के बाद आज आपके सामने चुप्पी मैं खोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं किस कारण से लोग कहते हैं समाचार पत्रों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है, मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर यही है
कि मैं सक्रिय राजनीति में, मैं पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर काफी बक्सर से लेकर सड़क से लेकर संसद तक सक्रिय राजनीति में रहा, सक्रियता बनी रही। क्या मेरा ये कसूर है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बालकाल से हूँ, ये दूसरी पीढ़ी हमारी है, और साथ साथ 14 साल तक भगवान राम वनवास गए थे। मैंने विद्यार्थी परिषद 14 साल तक पूर्णकालिक रहे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद लगातार अपने जीवन में 7 बार 5 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा चुनाव जीते, और कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला नहीं हूँ। लोगों ने कयास किया, मीडिया ने भी, कि चौबे जी शायद मैं संन्यास नहीं, मैं सक्रिय राजनीति में अगले 5 साल सक्रिय राजनीति में रहूंगा। चौबे वो शख्स है, हम शेर के तरह हारने वाले, हम बिल्ली को भाजपा हमारी माँ है, भाजपा ने मुझे सब कुछ बिन मांगे दिया है, मैंने कभी अपने लिए भाई। ये तो आप उनसे पूछिए, मुझे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी का शुभकामना आशीर्वाद है, कुछ होने जा रहा है भाई। मुझे लग रहा है आप देखते रहिए कुछ दिनों में क्या होगा, ये मुझे भी पता नहीं, जल्दी कुछ होगा। और आपकी जानकारी के लिए, मैंने अपने लिए या अपने परिजन के लिए कभी हाथ नहीं पसारा था। मेरा कसूर यही है कि मैं एक फकीर हूँ, मेरा कसूर यही है कि मैं उस समाज से आता हूँ जो लोग कहते हैं, बाहर में मीडिया कहते हैं कि आप ब्राह्मण समाज के होने के नाते टिकट कर गए। मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता, संघ का बाल स्वयंसेवक, और लगातार राष्ट्र सेवा में लगा हुआ, राष्ट्र इदम रास्ता।